एलवीडीएस केबल, ये आर्बन कार्बन सब बोर्ड और साफ करने के बाद पीसीबी क्लीन इन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें सप्लाइयाँ चेक करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी सप्लाई चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे ये जो कॉफ की बनने वाली सप्लाइयाँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये VGH, क्या VGH वोल्टेज गेट हाई, यहाँ पे जो है 20 से 35 वोल्ट तक आनी चाहिए यहाँ पर कोई भी बोर्ड हो। हाँ, मतलब मैं मीटर से चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख लो। नहीं, मान लीजिए हमारा कुछ टारगेट होता है कौन कौन सी वोल्टेज चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ, देख लो एक बार। हमारे स्क्रीन में हमें टारगेट होता है, सबसे पहले हमें चाहिए VGH, या इसकी जगह पे लिखा होगा V ऑन, क्या V ऑन, ये हमें चाहिए होती है 20 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक यहाँ आनी चाहिए, इस बीच में कोई भी आ जाए, ठीक है। इसके बाद VGL वोल्टेज गेट लॉ, या इसकी जगह पे V ऑफ लिखा हुआ होगा, ये वाली वोल्टेज चाहिए, ये एक माइनस वोल्टेज होती है 5 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट तक, माइनस 10 वोल्ट, ये मेरा क्लास नहीं हुआ, ठीक है, तभी दे रहा हूँ आपको, सर किसी की भी नहीं है, सभी को दे रहा हूँ। इसके अलावा इसमें हमें वोल्टेज चाहिए होती है ABDD, ठीक है, तो इस पर वोल्टेज बनेगी आपकी 10 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक, ठीक है, ये हमें चाहिए, ये टारगेट वोल्टेज है, हमें चाहिए। इसके लिए क्या होता है, ऐसे टेस्टिंग पॉइंट बने हुए होते हैं गोल गोल, इन पे बनती है वोल्टेज और साथ में लिखा हुआ भी होगा, तो यहाँ ये वोल्टेज आनी चाहिए टेस्टिंग पॉइंटों का सर। इसके अलावा हमें चाहिए एक VDD चाहिए, ये आपकी होगी 1.2 वोल्ट भी होगी, 1.8 वोल्ट भी होगी, इन सबको VDD बोला जाता है, ठीक है, और 3.3 को भी VDD लिखा जाता है, एक ये वाली वोल्टेज तीनों हमें चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक VCOM भी लिखा हुआ होता है, 5 वोल्ट करीब आती है ये, ठीक है, इस पर इतना ध्यान देने की एक बार को जरूरत नहीं है, लेकिन ये 4 वोल्टेज आपकी ज़रूर आनी चाहिए। ओके, अब हम इसे चेक करें, यही वाली वोल्टेज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले कह दिया था ना कि ये वोल्टेज इसमें सही आ रही है, ठीक है, इसलिए हमने नहीं छेड़ी, हमने उसके अलावा कुछ और करके स्क्रीन सही करी है उस समय। सर पैनल मान लीजिए 5 वोल्ट का है तो उस समय सेम वोल्टेज है, तभी तो मैंने आपको ये बताई है ना, 12 वोल्ट का होगा तो हो सकता है 35 वोल्ट करीब 35 के आसपास आएगी, 5 का होगा तो 20 के आसपास आएगी, पर आएगी इन्हीं वोल्टेज 24 वोल्ट का पैनल है, 24 वोल्ट का 5 वोल्ट 12 या 5 का एक होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या नाम है, सबसे पहले तो ये 12 चेक करेंगे जो इसमें आनी चाहिए, ठीक है, 12 आ रही है चेक, ठीक है। अब हम टेस्टिंग पॉइंट चेक करेंगे, देखो सबसे पहले हम VGH ढूंढेंगे, ठीक है, एक दिमाग में टारगेट हमेशा बना रखा होगा, सबसे पहले VGH, ये लिखा है VGH, ये रहा इसका टेस्टिंग पॉइंट, तो वो देखिए मीटर पे 26 वोल्ट बन रही है, 27 बन रही है, ठीक है, लगभग 27 वोल्ट, तो पहली वोल्ट हमारी क्लियर हो गई। अब हम ढूंढेंगे VGL वोल्टेज गेट लॉ, ये माइनस वोल्टेज होती है, ये लिखा VGL, ये लिखा, ये रहा इसका टेस्टिंग पॉइंट, उधर देखिए मीटर पे माइनस 5 वोल्ट, सही है, ठीक है। इसके अलावा अब हम कौन सी ढूंढेंगे, क्या लिखी है, ABDD, ये दिमाग में भर लो अपने नंबर वाइज कि पहले VGH चेक कर लो, फिर VGL, फिर ABDD, तो ABDD मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, देखना भी पड़ता है इसमें क्या होता है, एक ये VDD लिखा है, हम चेक कर लेते हैं क्या VDD है, कई बार कुछ शॉर्ट आउट माइनस में जाती है, 15 वोल्ट VGL होती है, माइनस चेक तो कर ली, आ रही है 15 वोल्ट, ठीक है, 15 से 10 से 20 वोल्ट लिखी है ना, 10 से 20 वोल्ट ये वो वाली है, तो ये भी आ गई, अब कौन सी रहेगी, ये आ गई 3.3 आपकी, ठीक है ना, कौन सी VCC लिखा हुआ है, VCC भी लिखा हुआ होता है, तो मैं आपको देखो क्लियर एक बात ये भी बता दूं कि कई बार जो है आप लिखे हुए मत जाना, ठीक है, इसमें जो लिखा वाला कंफर्म है ना, एक VGL है जो कि इसकी जगह V ऑन लिखा हुआ होता है, या VGH की जगह पे VGH की जगह कई बार V ऑन लिखा हुआ होता है, VGL की जगह कई बार V ऑफ लिखा हुआ होता है, ये VDD VCC में कई कन्फ्यूजन है, आप उसको छोड़ दो, आप सिर्फ दिमाग में ये टारगेट बनाओ और जो टेस्टिंग पॉइंट है आपको ये सब वोल्टेज मिल जानी चाहिए, जिस पे वोल्टेज नहीं आ रही है मतलब वही कम है, तो यहाँ एक जगह VCC लिखा हुआ है, 33 भी लिखा, यहाँ 3.3 भी बन लिखा हुआ है, तो 3.3 यहाँ आ रही है, ये CPU की सप्लाई होती है, और यहाँ VGL भी आ रही है, यहाँ VGH भी आ रही है, यहाँ ABDD आ रही है, ठीक है ना,
वो सारी सप्लाइयां आ रही हैं, चारों आ रही हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बोल दिया कि बाकी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी ये चार वोल्टेज ढूंढ लो, कितनी चार वोल्टेज है। यहाँ पे भी VCC लिखा है, यहाँ पे भी कोई सप्लाई आ रही होगी, 3.3 आ रही है, ठीक है। अब देखने की जरूरत नहीं है, ये चार हो गई ना, हो गई क्लियर, ये अब मैं आपको ये बताऊंगा। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे कि हमें VGH इतनी वोल्टेज, VGL इतनी वोल्टेज, AVDD इतनी वोल्टेज और VDD इतनी, ये तीनों या कोई एक ये आनी चाहिए। 3.3 तो जरूरी आनी चाहिए, VCC लिखा हुआ है कुछ भी हो, 3.3 आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये पहला काम है हमारा। अब ये नहीं आती है या क्या होता है, अब इसकी वजह से फॉल्ट क्या आ रहा है वो इस पर डिपेंड मत करो, आप सिर्फ सप्लाई चेक करो। प्लेन रोस्टर आ रहा है तो आप अपनी सप्लाइयाँ ढूंढो, किसी भी सप्लाई के मिस होने से प्लेन रोस्टर आ सकता है, तो आप अपनी सप्लाइयाँ देखो, समझ रहे हो। ये मत देखो कि आगे पर्दा काला आ रहा है या नीला आ रहा है, कैसा आ रहा है, पिक्चर तो नहीं आ रही ना बस, जो सप्लाई फिर निकल तो फिर कैसे फिलहाल आप ये जानो चेक करने का तरीके, ठीक है, कहाँ कहाँ वोल्टेज देखनी है वो फिर मैं बात खत्म करने वाला रहता हूँ। अब इसी में आपको इसकी जानकारी दे